नीलेश भोसले साहब, अब दिया तो अब क्यों दिया वाला सवाल हो रहा है, नहीं दे रहे थे तो क्यों नहीं दे रहे वाला सवाल हो रहा था, और अब क्या वो वाकई कोई वक्त ऐसा आएगा जहां पर वो खुद रहस्योद्घाटन करेंगे और बताएंगे लोगों को कि क्या हुआ था, या जांच के बाद ही स्थितियां सामने आएंगी? देखिए, एक सीधी चीज आप लोग को समझनी पड़ेगी कि गृह मंत्री महोदय ने इस्तीफा आज क्यों दिया है। उन्होंने अपनी बात में एकदम सीधे तरीके से कहा है कि आज हाईकोर्ट, जो मुंबई का हाईकोर्ट है, मुंबई हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ था और हाईकोर्ट के पिटीशन में वहाँ पे ऐसी प्रे रखी गई थी या वहाँ पे ऐसी मांग की गई थी कि जब तक ये सारी इंक्वायरी नहीं होती तब तक यहाँ के पुलिस वालों को दबाव आ सकता है, इसलिए ये इंक्वायरी उठा के CBI को दी जाए। और जब हाईकोर्ट ने वहाँ पर ऑर्डर वहाँ पर पारित किया है कि ये सारी इंक्वायरी CBI के तहत हो, तो गृह मंत्री महोदय ने खुद अपने बात पवार साहब के पास रखी कि जब CBI इंक्वायरी करने वाली हो तो मुझे इस पद पे रह के वो इंक्वायरी ठीक से नहीं हो सकती। ये आज ही कही गई है क्या बात? ऐसे बिल्कुल नहीं है। गृह मंत्री जी जो हमारे पहले अनिल देशमुख जी थे, इन्होंने पहले भी कहा था कि मेरे पे लगे हुए सारे आरोपों की कहीं ना कहीं पे सिनास होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो भी अच्छे एक हाईकोर्ट के जज ओहदे के इंसान से या वो लेवल के एक ऑफिसर से होनी चाहिए। उस प्रकार की एक कमिटी भी यहाँ गठित की गई। एक बात मुझे बताइए, इसका सीधा ये कब तय किया जाता है कि अब नैतिकता का तकाजा बन गया? क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट बची हुई है आपके पास, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट, अभी अनिल देशमुख जा सकते हैं, वहां पर कह सकते हैं अपनी बात। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं कहा गया कि हाँ CBI जांच, अभी हाई कोर्ट ने यह बात कहा है, तो यह कब तय होता है कि अब तकाजा बन गया नैतिकता का? हाई कोर्ट ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है, हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि CBI से इंक्वायरी हो, बिल्कुल, लेकिन वो नैतिकता का आधार बनाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि अभी अनिल देशमुख जी ने खुद कहा है कि जब CBI इंक्वायरी हो रही हो और अगर मैं ही गृह मंत्री रहूंगा तो सदन में आने वाले समय में सवाल उठ सकते, इसलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया। ठीक है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया गया। जरा विजय कौशिक जी से भी बात करें, कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस आपके साथ वहां सरकार में है, लेकिन हम हमेशा ये सुनते रहे, कांग्रेस के नेता अक्सर जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम तीसरा पहिया ही हैं, हम वो दो पहिए अलग और एक तीसरा पहिया हम अलग, ये स्कूटर और कितना लंबा चलेगा विजय कौशिक जी? देखिए, सबसे पहली बात कि जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन चलेगा जब जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सकते हैं महाराष्ट्र की जनता की, उसके लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। फंड तो मिल नहीं रहे आपको? देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो केवल इसलिए था कि महाराष्ट्र की जनता के ऊपर चुनावों का बोझ ना पड़े। जो लोग चाहते थे कि गैर भाजपा सरकार वहां सत्ता में आए, उसको लेकर हमने प्रयास किया और हम सफल रहे। जहां तक ये जो MCP वाला मामला है, सचिन वाजे वाला मामला है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको भाजपा के चरित्र को समझना होगा। जो भाजपा के साथ नहीं होते हैं लोग, वो भ्रष्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, लेकिन जो भाजपा में आ जाते हैं वही ईमानदार हो जाते हैं। इन्हीं अजीत पवार के लिए, एनसीपी के अजीत पवार के लिए फडणवीस जी कहा करते थे कि अजीत पवार चक्की पी सिंह, लेकिन बाद में उन्हीं के साथ गले मिलकर किस तरह से उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो इनका कोई चरित्र नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।